अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी ई लर्निंग। पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हवाले से कल हमने आपसे एक न्यूज शेयर की थी, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एनरोल थे डायरेक्टली, उन स्टूडेंट्स के एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कंडक्ट करने वाली थी। लेकिन उसके हवाले से काफी इबहाम पैदा हो गया था कि अब जो एसोसिएट डिग्री वाले हैं, जो बीए बीएससी वाले जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू जो कैंडिडेट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देने वाले थे, उनके एग्जाम्स का क्या होगा। तो उस शुभ को शुभहात को पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी तरह से भाप लिया था। इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने 27 अप्रैल को एक मीटिंग कंडक्ट की थी, उस मीटिंग के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये जो आपको मैं न्यूज दे रहा हूँ, ये है कि अब आपके एग्जाम यानी कि बीए बीएससी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि बीकॉम है, उनके एग्जाम्स भी आप ऑनलाइन होंगे। जी हाँ, आप एग्जाम्स आपके ऑनलाइन ही होंगे। या नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि 27 अप्रैल की मीटिंग के बाद जारी किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस नोटिफिकेशन में कुछ चीजें बहुत अहम है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी अहम है जो अभी तैयारी पूरी तरह नहीं कर पाए थे या जिनकी तैयारी मुकम्मल है, तो उनके लिए भी। तो जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का मसला ये बनेगा कि अब आपको तैयारी कंप्लीट करनी है। यानी कि जो लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करके और पीओ का पेपर अटेम्प्ट करके पास हो जाएंगे, तो उनके लिए अब थोड़ा मसला होगा। क्योंकि एमसीक्यू पेपर का मतलब ये है कि आपको थोड़ा कोर्स कंप्लीट करना है, यानी कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट कोर्स की नो हाउ होनी चाहिए। कंप्लीट आपने अगर कोर्स कवर किया होगा तो आप एमसीक्यू को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन यहां पर इसका एक अच्छा पहलू भी ये है कि एमसीक्यू पेपर बेस्ड होने का एक फायदा यह होगा कि जो लोग प्रेजेंटेशन जिनकी अच्छी नहीं भी थी या जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, जिनको राइटिंग के मार्क्स कटने का डर था, ये प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी, उनको अब ये मसाइल नहीं होंगे। अब आप डायरेक्टली जैसे ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, जितने आपके एमसीक्यूज के मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन के हवाले से अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये पेपर आपको 100% मार्किंग दे सकता है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसा कोई पेपर ऐसा नहीं अटेम्प्ट हुआ जिसमें आपको 100% मार्किंग के चांसेस हों। लेकिन यहां पर अब आपको बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप बहुत अच्छी तरह तैयारी करें, 100% बेहतरीन पेपर अटेम्प्ट करें, तो आपको 100% मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। 100 नहीं तो 90% चांस आपको आराम से मिल सकते हैं मार्क्स, अगर आपके तमाम एमसीक्यूज करेक्ट हुए तो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए कि जो प्राइवेटली अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर, क्योंकि प्राइवेट पेपर्स जो अटेम्प्ट करते हैं वो मुख्तलिफ अकेडमीज के थ्रू, मुख्तलिफ कॉलेज के थ्रू तैयारी होती है। पीयू का पेपर एक बहुत मैस लेवल पे पेपर कंडक्ट करती है, तो उसमें मार्किंग का काफी हद तक लोगों को जो है ना इतराज ही रहता है। काफी स्टूडेंट्स इस चीज की कंप्लेन करते हैं कि हमारे मार्क्स थोड़े आए हैं, हमारी मार्किंग अच्छी नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया। तो अब काइंडली आपने तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सके। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब आपके पास टाइम है सिर्फ जुलाई तक का, यानी कि जुलाई के मंथ में पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर करेगी कंडक्ट। तो अब आपके पास ओनली एंड ओनली 1 से 1.5 माह है। मई में पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर अपलोड करेगी जो कि सैंपल पेपर्स होंगे, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा, जो आउटलाइन होगी बेसिकली पेपर की कि कैसा पेपर आपको फाइनल एग्जाम्स में आएगा। जैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी मॉडल पेपर अपलोड करेगी तो हम उसके हवाले से भी आपको गाइड करेंगे कि वो मॉडल पेपर में बेसिकली वो क्या आउटलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अभी जो आपके पास टाइम है इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके हवाले से भी हम एक वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको फौरन मिल जाए। अभी आपको इस टाइम को जो है ना बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आपके पेपर जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता अभी तक एग्जाम्स के हवाले से, उनको इस चीज की अवेयरनेस मिल जाए। क्योंकि जिस तरह आप लोगों को अवेयर करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो आपके लिए भी ये चीज एक गुड साइन होगा कि कल को कोई आपकी भी हेल्प करेगा। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट के लिंक्स आपके सामने, आप यहां पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं, आपके कॉमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वो भी लिख के भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।